दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के उन डिवाइस के बारे में जिनको नए FOTA अपडेट्स मिले हैं इंडिया के अंदर। तो सैमसंग का कौन कौन सा डिवाइस है, कितने मेगाबाइट की फाइल है, कौन से महीने का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है, हम अपने चैनल पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो को कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और जो है काफ़ी ज़्यादा हीट वेव आ रहा है रूम के अंदर, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जा रहा है। और वो उतना अच्छा खासा मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, बस कूलर वगैरह फ़ैन वगैरह है, तो उससे भी कि हाँ इतना टेम्परेचर हाई की वजह से कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा। तो इसके वजह से हम जो है आप लोग तक जो है वीडियो अच्छे से जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले मेरे चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियो जो है देखने को मिलते रहेंगे, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डिवाइस हैं जिनको नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिले हैं उन्हीं डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे, ना कि यहाँ पे OneUI 6.1 के अपडेट के बारे में बात करेंगे। सिर्फ जो अपडेट मिले हैं, जो FOTA अपडेट आता है, वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है, सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन को एक रिसेंटली नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम इसकी अपडेट की फाइल की साइज़ की बात करते हैं, तो इसकी अपडेट की फाइल की साइज़ है 293 MB की, 293 MB के अपडेट की फाइल है। मई का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो है फंक्शन को इम्प्रूव किया गया है। दिस सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव, आफ्टर अपडेटिंग यू विल बी नॉट एबल डाउनग्रेड टू द ओल्ड सॉफ्टवेयर बिकॉज अपडेट द सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी, इसका मतलब आपको जो है ओल्ड सॉफ्टवेयर पे अपग्रेड नहीं करना, तो ये कौन ही करेगा। नया सब कोई चाहता है कि नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, तो आपको ओल्ड जो है सॉफ्टवेयर जो है फ्लेक्स नहीं करना है। इसके अलावा जो है सैमसंग का जो अपडेट मिला है, सैमसंग का नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो डिवाइस के अंदर मिला है, सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F15 5G डिवाइस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी हम अपडेट की फाइल की साइज़ की बात करते हैं, तो इसकी अपडेट की फाइल की साइज़ है 267 MB की, 267 MB की अपडेट की फाइल है। मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, और इसके अंदर भी जो है डिवाइस को सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग को फिक्स किया गया है, नए पुराने फीचर को इम्प्रूव किया है। तो अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन, जो 5G स्मार्टफोन है सैमसंग का M32 स्मार्टफोन, इसके लिए भी जो है एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है हमें देखने को मिला है। अगर इसकी अपडेट की फाइल की बात करते हैं, तो इसकी अपडेट की फाइल है 224 MB की, मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक अपने इस डिवाइस को अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा, मई का सिक्योरिटी पैच है साथ में और नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट जो मिला है, और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे स्मार्टफोन को जो है OneUI 6.1 का अपडेट देखने को मिला था और आगे भी मिला है, जो कि आने वाले मेरे वीडियो में आपको इन्फॉर्म जो है मिल जाएगा, पता चल जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसके अलावा सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा डिवाइस है, इसको भी जो है मई का सिक्योरिटी पैच जो है देखने को मिला है। अपडेट की फाइल है 418 MB की, 418 MB की अपडेट की फाइल है। मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर जो है डिवाइस के सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, डिवाइस के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, बग को फिक्स किया है, नए पुराने फीचर को इम्प्रूव किया है, तो अपडेट कर लीजिएगा। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M15 5G, जो M15 5G स्मार्टफोन आया है, लेटेस्ट स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन के अंदर भी जो है नया अपडेट जो है देखने को मिल गया है। अपडेट की फाइल है 264 MB की, मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक अपने इस डिवाइस को अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। अगले डिवाइस की अपडेट के बारे में बात करते हैं, तो अगला डिवाइस है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो सिक्योरिटी पैच ही अपडेट मिले हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो अपडेट्स जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर दिया हूँ, जो OneUI 6.1 का अपडेट जो है देखने को मिला था। सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 स्मार्टफोन है, Z Flip 3, जिसको भी अपडेट देखने को मिला है। 340 MB की अपडेट की फाइल है, 340 MB की, और मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, तो अपडेट कर लीजिएगा। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता रहता है, तो आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इसका।
ये स्मार्टफोन है सैमसंग का, सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G स्मार्टफोन, जिसके लिए भी जो मई का सिक्योरिटी पैच हमें जो है देखने को मिल गया है इस स्मार्टफोन के अंदर। अपडेट की फाइल है 282 MB की, 282 MB की अपडेट की फाइल है, मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। तो अपडेट नहीं की है तो अपडेट कर लीजिएगा। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का, सैमसंग गलेक्सी A13 डिवाइस, जो A13 डिवाइस है इसके लिए भी जो है एक नया सॉफ्टवेयर जो है देखने को मिला है। 157 MB की अपडेट की फाइल है, मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलाते हैं। तो अपडेट नहीं की है तो अपडेट कर लीजिएगा। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का, सैमसंग गलेक्सी A53 5G स्मार्टफोन, इसके लिए भी जो है सैमसंग ने एक नया सॉफ्टवेयर रोल आउट कराया है मई के सिक्योरिटी पैच के साथ में। अपडेट की फाइल है 252 MB की, 252 MB की अपडेट की फाइल है। तो अपडेट नहीं की है तो अपडेट कर लीजिएगा। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग का, सैमसंग गलेक्सी जो है अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, S21 FE 5G स्मार्टफोन है, जिसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला है। और ये अपडेट जो आता है तो इसके अंदर जो है दो वेरिएंट है, एक्सिनोस वेरिएंट है और स्नैपड्रैगन वेरिएंट है। तो दोनों स्मार्टफोन के लिए जो है अपडेट जो है देखने को मिल ही जाते हैं। तो अपडेट की फाइल है 258 MB की, हो सकता है अपडेट आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले यहाँ पे हो चुका है, मैं वीडियो आप लोगों तक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो आपको देखने को अब मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समर का मौसम ज़्यादा ही चल रहा है और काफ़ी टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में, इसके वजह से मेरे चैनल पे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। 2 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही जो है वीडियो जो है देखने को मिलते रहते हैं। S21 FE 5G स्मार्टफोन है, 258 MB की अपडेट की फाइल है, मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं। तो अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। देखिए मैं आप लोग बता दूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग तक शेयर किया हूँ पिछले वीडियो में, वो सिर्फ UI 6.1 का सॉफ्टवेयर अपडेट जो है जो मिला था, मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आप लोग तक जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। और देखिए अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है, इसके बाद जो वीडियो आएगा सिर्फ जो है UI 6.1 का ही जो अपडेट बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग ने प्रोवाइड करे हैं। तो आप लोग चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्या पता आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है उस अपडेट के अंदर कि आपको न मालूम हो और उस स्मार्टफोन को UI 6.1 का सॉफ्टवेयर जो है देखने को मिल गया हो। तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। और मेरे इस चैनल पे आपको जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते रहते हैं। ये A40 वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ मैं आपको अपडेट की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता हूँ। आने वाले वीडियो में आपको फुल रिव्यू का वीडियो आपको बहुत जल्द आपके इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।